इस वक्त की खबर आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मी जी पर टिप्पणी कर जन भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके चलते सियासत भी गर्मा गई है। वहीं भाजपा ने भी इस पर हमला बोल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हिंदूवादियों में भारी आक्रोश है। अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता उमेश शर्मा के साथ में। जी उमेश, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा महालक्ष्मी जी पर बयान किया गया था, तो क्या बयान किया गया था, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, दीपावली के त्यौहार पर ये सपा के नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भगवान गणेश और महालक्ष्मी को लेकर के स्थिति की थी, उसको लेकर हिंदूवादी संगठनों के साथ आम जनता में भी आक्रोश है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हिंदूवादी जो महासभा के पदाधिकारी हैं, इन्होंने आज यहाँ पर मानसिक आरोपशाला से लखनऊ जाने दिन एक कुत्ते आवारा कुत्तों को जानवरों को पकड़ने वाले वाहन में एक श्वान को उसके गले में पट्टा डाल के स्वामी प्रसाद मौर्य का और यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। और हिंदूवादी महासभा के जो पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि किस तरीके से ये टिप्पणी की गई है, उससे हिंदूवादियों में और सनातन धर्मियों में इसे काफ़ी ठेस पहुंची है। और ये त्यौहार के दिन, क्योंकि उन्होंने भी गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की होगी, और इस तरह की जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर आक्रोश है। और यहाँ पर पदाधिकारियों हिंदूवादियों का कहना है कि यहाँ से स्वान को लखनऊ ले जाएंगे और वहाँ पर सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनको सौंप कर आएंगे। और उधर से स्वामी प्रसाद मौर्य को इस गाड़ी में, इस वाहन में, आवारा जानवरों को पकड़ने वाले वाहन में उनको लेकर आएंगे और यहाँ मानसिक आरोपशाला में एडमिट कराएंगे और उनका यहाँ इलाज कराया जाएगा। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक यहाँ मानसिक आरोपशाला में ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो हिंदूवादी जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ जमकर नारेबाजी की। तो यहाँ इनका जो कहना है कि जिस तरीके से ये टिप्पणी की गई है उसको लेकर के हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं वो कभी भी आंदोलन करेंगे और इसके खिलाफ मुकदमा लिखने की थाने में तहरीर दी जा चुकी है। और उनका कहना है कि अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो ये आंदोलन करेंगे, सड़कों को जाम करेंगे। तो मैं कोमल आपको बता दूँ कि आज यहाँ से इनका आवारा बाहर पकड़ने वाला संस्था है, उसके साथ में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता है, वो लखनऊ के लिए रवाना हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद उमेश, अधिक जानकारी के लिए। आपको एक बार फिर से बता दें कि पूर्व मंत्री सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मी जी पर टिप्पणी कर जन भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके चलते सियासत भी गर्मा गई है। वहीं भाजपा ने भी हमला बोल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हिंदूवादियों में आक्रोश, अखिल भारत हिंदू महासभा लखनऊ के लिए रवाना, आवारा कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी से लखनऊ रवाना, पागलखाने में भर्ती कराने के लिए साथ लेकर आएंगे, मानसिक रोगी स्वामी प्रसाद मौर्य को भर्ती कराने लाएंगे आगरा, कुत्ते के गले में डाला स्वामी प्रसाद मौर्य का फोटो।